हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले थर्मल इंजीनियरिंग की। ठीक है दोस्त, पहले ही बता दे रहा हूँ, आज का जो वीडियो है थर्मल इंजीनियरिंग का बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इसमें आपका ही घाटा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो आज क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% बोल्ड एग्जाम पर आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे आप तो बाद में सोचेंगे अगर मैं उस वीडियो को देख लेता तो मुझे अच्छे खासे नंबर मिल जाते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमने आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे उन्हीं क्वेश्चन के हम आंसर आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलती रहे, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, कमेंट और ये बताना मत भूलिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके जो आपके अगर आपको PDF और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको इसके PDF और नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी के जो नियम हैं, कितने जो उनके नियम हैं, वो बहुत बोल्ड एग्जाम पर पूछा है थर्मल इंजीनियरिंग के, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होगा। किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊष्मा एवं कार्य एक दूसरे के समानुपाती होता है। दोस्त, जो आपका किसी आपका कोई चक्रीय प्रक्रम मान लीजिए, उसके लिए जो ऊष्मा और आपका जो कार्य हीट एंड जो आपका वर्क होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के दोनों समानुपाती होंगे। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का ये क्या प्रथम नियम है। ठीक है, ये तो टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ था। अब ऊष्मागतिकी की अगर हम एक सरल भाषा में बात करें नियम की, फर्स्ट लॉ की, तो एक ये भी हो सकता है आपका, ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊष्मा को नष्ट किया जा सकता है, ऊष्मा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये भी आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये लिखते हैं ना तो बहुत अच्छे से आपका एग्जामिनर कॉपियाँ जो आपकी चेक करेगा तो आपको अच्छे मार्क्स देकर जाने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिकी का जो है बंद निकाय के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, किसी बंद निकाय के लिए निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होती। दोस्त, मान लीजिए आपको कोई बंद निकाय, आप उसको अगर ऊष्मा दे रहे हैं तो पूर्णतः रूप से वो कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। ऊष्मा का जो कुछ भाग होगा दोस्त, वो क्या होगा, निकाय में संचित हो जाता है, जो ऊष्मा तथा कार्य में मिश्रित रूप में निकाय में संचित रहता है हमेशा। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई बंद निकाय, उसको आपने ऊष्मा दिया तो उससे जो ऊष्मा उसको दी गई तो उससे कार्य होगा, तो जो कार्य होगा ऊष्मा जो होगी वो पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं होगी, तो जो ऊष्मा का कुछ भाग है वो कार्य के साथ हमेशा निकाय में संचित रहता है। तो ये आपको पता चल गया बंद निकाय के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो बाद में अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पर ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्त, वो क्या होगा, DQ बराबर DU प्लस DW। ठीक है, तो इसमें DU हमारा क्या है, DU हमारी क्या दोस्त, आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, और निकाय के लिए संचित ऊर्जा को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपकी आंतरिक ऊर्जा की डिफिनेशन क्या होगी, निकाय में जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे हम निकाय क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, DQ हमारा यहाँ पर क्या, निकाय को दी गई ऊष्मा है, और DW हमारा क्या है, निकाय द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम है वो क्या होता है। ऊष्मागतिकी के ये तीनों नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, इन तीन नियम में से दो नियम आपको 100% बोर्ड एग्जाम में आपके मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा इन नियम्स को। दोस्त, हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिकी का जो आपका शून्यांक नियम है वो क्या होता है। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है और बहुत सरल भाषा में मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम के अनुसार, ठीक है, यदि कोई दो निकाय AB किसी तीसरे निकाय C के साथ तापी साम्य अवस्था की स्थिति में है तो वो निकाय क्या होंगे, आपस में भी तापी साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, उसको मैं भी आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम है इसमें बोला गया है, यदि कोई जो दो निकाय हैं दोस्त, दो निकाय जो है, मान लीजिए आपका एक निकाय A है और एक निकाय आपका B है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, और आपका एक निकाय दोस्त तीसरा जो निकाय है वो C है। ठीक है, तीसरे निकाय के साथ तापी साम्य अवस्था में है, तो ये जो AB निकाय और BC निकाय और CA निकाय जो आपका है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ तापी साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये आपस में भी तीनों एक दूसरे के साथ तापी साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है, तो इसको आप अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी का आपका ये शून्यांक नियम था दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्मागतिकी का
सेकेंड लॉ क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है दोस्त, तो बात कर लेते हैं जो आपका उष्मा गति का शून्यांक नियम था, उसमें आप भी ऐसी बोल्ड एग्जाम्पल डायग्राम बनाकर अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपका अगर आपकी थ्योरी थोड़ी सी डैमेज मतलब कि अच्छी नहीं भी लिखी होगी ना उसमें, तो डायग्राम से एग्जामिनर सब कुछ समझ जाएगा, और डायग्राम पे कुछ भी नहीं है दोस्त। बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, कार्य को ऊर्जा का उच्च स्तर एवं ऊष्मा को निम्न स्तर रूप माना जाता है। जो आपका कार्य है उसे ऊर्जा का उच्च स्तर तथा जो आपका ऊष्मा है उसे निम्न स्तर रूप माना जाता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार उच्च स्तर की ऊर्जा का निम्न स्तर की ऊर्जा में पूर्णतः रूपांतरण संभव है। कहने का मतलब जो आपकी कोई उच्च स्तर की जो ऊर्जा है उससे हम निम्न स्तर की जो ऊर्जा है निम्न स्तर की ऊर्जा में उसका जो पूर्णतः रूपांतरण है वो संभव है। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक तरफ गर्म पानी रखा हुआ है और एक तरफ आपका ठंडा पानी रखा हुआ है, तो जो उससे गर्म पानी की जो ऊर्जा निकलेगी वो किस में जाएगी, आपके ठंडे पानी में जाएगी। तो इसी तरह उसका जो पूर्णतः रूपांतरण है वो संभव है। ठीक है दोस्त, पर निम्न ऊर्जा का उच्च स्तर की ऊर्जा में पूर्णतः रूपांतरण संभव नहीं है। यही आपका क्या है दोस्त, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, दिया गया हुआ है अर्थात और अच्छी से समझाया गया है, कार्य को ऊर्जा में पूर्णतः रूपांतरित कर सकते हैं पर ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। तो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया। अब जो आपका ऊष्मागतिकी का दोस्त द्वितीय नियम है उसको कितने भागों में बांटा गया, उसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आपका केल्विन प्लैंक का कथन मतलब केल्विन का नियम और क्लासिकल का नियम। तो इन दोनों नियम को भी आपको लिखना है। आपसे अगर बोर्ड एग्जाम पर बोला जाता है ऊष्मागतिकी का नियम लिखिए, ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम क्या है, तो इसमें आपको पहले ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम बताना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो दो भागों में और बांटा गया केल्विन नियम और क्लासिकल नियम, तो ये भी आपको बताना है। बहुत सरल है, इसमें इन्होंने क्या बताया था उसकी बात कर लेते हैं हम लोग दोस्त, केल्विन प्लैंक का नियम। ठीक है, तो इन्होंने बताया था केल्विन प्लैंक के कथन के अनुसार ऐसे यंत्र बनाना असंभव है। इन्होंने कहा था कोई ऐसा यंत्र बनाना असंभव है जो एकल ऊष्मा संधारित पर कार्य करता हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई आप ऐसा यंत्र नहीं बना सकते हैं, बनाना मतलब कि असंभव है बिल्कुल से, जो एकल ऊष्मा संधारित पर कार्य करे। अगर कोई मशीन एकल ऊष्मा संधारित पर कार्य करती है तो वह पूर्णतः दक्ष होती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई मशीन एकल ऊष्मा संधारित पर कार्य करेगी तो वह पूर्णतः दक्ष होगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कोई मशीन आपको, मान लीजिए आपने दक्षता किसी मशीन की 100% हो सकती है, तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तथा इस प्रकार की मशीन को PMM2 कहते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो ऐसा कोई यंत्र बनाना असंभव है जो एकल ऊष्मा संधारित पर कार्य करता है। अगर कोई ऐसा होता भी है मशीन आप ऊष्मा संधारित पर कार्य करते हैं तो उसकी जो दक्षता होगी क्या होगी, वो 100% होगी। ऐसी कोई मशीन नहीं जो उसकी दक्षता क्या होगी, एफिशिएंसी 100% हो। ठीक है, इतना आपको भी समझ में आता है। अब ऊष्मागति का जो द्वितीय नियम पे इसका जो सेकंड भाग था क्या, क्लासिकल स्टेटमेंट, क्लासिकल का कथन क्या था उसकी बात हम लोग कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, ऐसा यंत्र बनाना असंभव है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर बिना किसी बाह्य बल के संभव है। देखिए, इन्होंने क्या कहा था, मान लीजिए आपने किसी कोई तरफ जो आपने मान लीजिए एक तरफ गर्म पानी रख दिया हुआ और एक तरफ ठंडा पानी रख दिया, तो गर्म पानी से जो मतलब कि गर्म पानी जो है आपका इसकी टेम्परेचर क्या है, हाई, और ठंडा पानी इसका टेम्परेचर बिल्कुल से क्या है, लो है। ठीक है, इन्होंने कहा था जो ऊष्मा का प्रवाह है वो हमेशा उच्च तापमान की वस्तु से निम्न तापमान की वस्तु पर होता है। ठीक है, ना कि निम्न तापमान की वस्तु से उच्च तापमान की वस्तु पर ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। तो उन्होंने यही बताया कि कोई यंत्र ऐसा बनाना असंभव है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह निम्न तापमान की वस्तु से उच्च तापमान की वस्तु की और बिना किसी बाह्य बल के हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं होता है तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे निम्न तापमान की वस्तु से जो हीट निकले वो उच्च तापमान की वस्तु पर जाए। अगर ऐसा कहीं भी होगा तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स दोस्त बाहर से लगाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, क्लासिकल का कथन था, क्लासिकल स्टेटमेंट था। ठीक है, निम्न ताप की वस्तु से उच्च तापमान की वस्तु पर उसमें प्रवाहित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आपका सेकेंड चैप्टर है उससे आपके जो आदर्श गैस के दोस्त जो नियम है वो बहुत पूछे जाते हैं। दो नियम इनमें से आपका बॉयल्स लॉ है और एक चार्ल्स का नियम है। ठीक है, चार्ल्स लॉ है तो बहुत पूछा गया बोर्ड एग्जाम पर, बहुत बार पूछा गया, छोटे छोटे से दोनों नियम है। और जब भी आए दोस्तों 5 नंबर पर दोनों आए हैं। ठीक है, कभी कभी तो दोनों 5 नंबर पर पूछ देता है, तो कभी कभी 5-5 नंबर पर दोनों को अलग अलग पूछ देता है। तो आप समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है, बस दो दो लाइन के हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से समझिए। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करना है तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ऐसे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं वो लगातार आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आपका जो बॉयल्स लॉ है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या क्या है, आपका जो स्थिर ताप होगा, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी जो गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गैस का जो आपका समीकरण होता है उससे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपसे क्या बोला गया, टेम्परेचर जो आपका कांस्टेंट बोला गया, स्थिर ताप पर बोला गया है, ठीक है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारी गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर एन आर टी होती है दोस्त, इतना आपको पता है, ठीक है। एन आर हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट, और टी हमारा देखिए टेम्परेचर पहले से ही कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा, पीवी बराबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इतना आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। वी बराबर हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो जब इस वी को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पी अनुक्रमण पाते वन अपॉन वी, ठीक है, जो कि पूरा फार्मूले से प्रूफ होता है। समझ में आपको आ गया होगा बॉयल्स लॉ आपका क्या होता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं दोस्त, समझ में इतना आ गया होगा, पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सीधे सीधे बोला गया अगर आपका आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, जब अगर आपकी आयतन की वैल्यू जो है वॉल्यूम की जो वैल्यू है इंक्रीज होगी तो जो आपका प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इतना आप समझ में आ गया होगा, इससे मतलब यही निकल रहा था कहने का। अब हम लोग बात करते हैं चार्ल्स लॉ आपका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका चार्ल्स लॉ है स्थिर दाब पर, उसमें क्या था, स्थिर ताप पर था, ठीक है, उसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें आपका क्या है, प्रेशर दोस्त कांस्टेंट रहेगा, पर फर्क इतना है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है उसके तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इसमें कांस्टेंट आपका रहने वाला है, नियत रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम गैस इक्वेशन, तो गैस इक्वेशन आपकी क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, तब किसको कांस्टेंट दोस्त, कांस्टेंट किसको रखा गया, यहाँ पर आपके कांस्टेंट जो क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आएगा वी अनुक्रमानुपाती टी हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं पी एम वन परपेचुअल मोशन मशीन वन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम पर यह भी कई बार पूछा गया और PMM2 भी कई बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा जा चुका है। तो आज के वीडियो में हम आपको PMM1 बता रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो थर्मल इंजीनियरिंग का आएगा उसमें हम आपको PMM2 बता देंगे, ठीक है दोस्त। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। वीडियो में अब हम लोग बात करते हैं PMM1 क्या है आपकी। ऐसी कोई मशीन बनाना असंभव है जो बिना किसी ऊर्जा अवशोषण के लगातार कार्य उत्पन्न करे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, पीएमएम मशीन आपकी क्या, ऐसी कोई मशीन बनाना असंभव है जो बिना किसी ऊर्जा अवशोषण के लगातार कार्य कर सके, ठीक है। यदि ऐसी मशीन बनाना संभव हो तो यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विपरीत होगा, बिल्कुल सही कहा गया है। देखिए ऐसी कोई मशीन बनाना असंभव है जो बिना किसी ऊर्जा अवशोषण को, कहने का मतलब उसमें ऊर्जा की एक भी हानि नहीं होगी, ऊर्जा को अवशोषण नहीं करेगा, ठीक है, लगातार कार्य उत्पन्न कर सके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कभी होता भी है तो क्या होगा, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम जो आपका दिया गया है वो फेल हो जाएगा, इसके विपरीत होगा ये, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है, कहने का मतलब आपकी जो हीट है वो इसमें बिल्कुल जीरो होगी दी जाएगी, और उसमें आपको क्या कार्य लगातार मिलता रहेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। एक हमारा जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताए थे क्वेश्चन, उनमें आपका ये भी था ऊष्मा अंतरण की विधियाँ कौन कौन सी थी। आपकी ऊष्मा अंतरण की जो दोस्त विधियाँ होती हैं वो आपकी तीन विधियाँ होती हैं, ठीक है। ऊष्मा अंतरण की फर्स्ट आपकी कौन सी होती, चालन होती, सेकंड आपकी संवहन होती, तीसरी आपकी क्या होती, विकिरण होती। ऊष्मा अंतरण की आपकी तीन विधियाँ होती हैं निम्न, चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है। तो हम लोग पहले वाली को देख लेते हैं, आपकी चालन क्या है, ठीक है। चालन ऊष्मा अंतरण का वह तंत्र है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप मान वाली क्षेत्र से निम्न तापमान वाले तापमान के क्षेत्र तक होता है, यह अणु के अनियमित टक्कर से या अणुओं के कंपन द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या, जो आपकी चालन है ऊष्मा अंतरण की आपकी दोस्त तीन विधियाँ होती है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इन तीन विधियों में से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाता है, कभी कभी बोलते हैं आपकी ऊष्मा अंतरण की कितनी विधियाँ होती, तो आपको उसमें लिखना है तीन विधियाँ होती, उसके बाद आपको तीनों को बताना है, चालन, संवहन, विकिरण क्या होती। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बनता है ऊष्मा अंतरण की
चालन समान और विकर्ण में डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये भी आपसे पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम पर। ठीक है, तो जो आपकी चालन है उसको समझ लीजिए, ये ऊष्मा अंतरण का वह तंत्र है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण वो हमेशा उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र तक होता है, यही कहा गया है। और ये किस लिए होता है, मतलब कैसे होता है, यह अणुओं के आंतरिक टक्कर से या फिर अणुओं के कंपन से होता है। तो ये क्या थी आपकी चालन थी, ऊष्मा अंतरण की जो फर्स्ट विधि थी चालन। ठीक है, तो हम लोग इसकी सेकंड की बात कर लेते हैं, संवाहन क्या है। ऊष्मा अंतरण की जो सेकंड विधि है संवाहन, उसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था चालन संवाहन विकिरण। ठीक है दोस्तों, संवाहन की अगर बात करें हम लोग, ऊष्मा अंतरण की इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण चलित द्रवों के मध्य किया जाता है। संवाहन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब जो आपकी संवाहन विधि है, इसमें ऊष्मा अंतरण की विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो चलित द्रवों के मध्य में होता है, द्रवों के मध्य में किया जाता है। तो आपकी कौन कौन सी है, तो फर्स्ट आपकी मुक्त संवाहन है, सेकेंड आपकी बलपूर्वक संवाहन है। ठीक है, तो हम लोग पहले फर्स्ट को जान लेते हैं, मुक्त संवाहन आपकी क्या है विधि, इसकी बात कर लेते हैं। जो है मुक्त संवाहन, इस प्रक्रिया में तापमान परिवर्तन के कारण धनात्मक अंतर के परिणाम स्वरूप किया जाता है। जब जल को ऊष्मा दी जाती है तो जल बर्तन के संपर्क में आता है, वह गर्म हो जाता है जिससे इसका घनत्व कम होकर ऊपर सतह पर चला जाता है और ऊपरी सतह वाला ठंडा जल होने के कारण बर्तन के निचले तले पर आ जाते हैं जिससे यह गर्म हो जाता है, और द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण की मुक्त विधि संवाहन है। कहने का मतलब क्या है दोस्त, मान लीजिए ये आपका गैस है। ठीक है, रुकिए एक मिनट समझाते हैं। ये आपकी जो मुक्त संवाहन विधि है, ये मान लीजिए आपकी गैस है, इसको आपने जला दिया और इसमें आपने एक भगोना रख दिया हुआ है और इसमें पानी भर दिया है। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहले जो आपकी गैस की जो फ्लेम होगी वो इसका संपर्क किससे होगा, जो भगोना की जो तली उससे संपर्क होगा, उसके बाद जो तली के ऊपर जो पानी भरा हुआ है नीचे उससे होगा। तो जैसे जैसे आपका जो पानी गर्म होता जाएगा तो गर्म वाला पानी दोस्त आपका क्या होता जाएगा, ऊपर चला जाता जाएगा, और जो इसमें ठंडा पानी होगा ऊपर का वो धीरे धीरे ठंडा पानी आपका नीचे होता चला जाएगा। कहने का मतलब यही मुक्त संवाहन, आपने जैसे गर्म पानी जब आप करने के लिए रखते हैं गैस पर तो आपने देखा भी होगा ये चीज़। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बलपूर्वक संवाहन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें ले सकते हैं मुक्त संवाहन पे, एग्जाम्पल के लिए हीटर द्वारा कमरे की हवा को गर्म या पाट के लिए जल को गर्म करना। देखिए वही एग्जाम्पल दिया गया जो कि मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल बता दिया, बहुत विधि से मतलब बहुत अच्छी तरह से मैं इसमें समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। अगर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है दोस्त, तो आपको बलपूर्वक जो संवाहन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। बलपूर्वक संवाहन, यदि द्रव की गति पंप या ब्लोअर से प्रेरित होती है तो द्रव के सतह पर प्रवाहित करता है, द्रव के सतह पर प्रवाहित करता है, तो इस प्रकार के ऊष्मा स्थानांतरण को बलपूर्वक संवाहन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त आपकी जो नेक्स्ट इसकी है ऊष्मा अंतरण की जो नेक्स्ट विधि है वो क्या है, विकिरण। इसकी बात अगर हम लोग करें, बहुत ईजी है ये भी और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से अन्य स्थानों में इस प्रकार होता है कि मध्यम अप्रभावी रहता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा संचरण वैद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के द्वारा आती है। अंगीठी के सामने खड़े होने पर अंगीठी की ऊष्मा विकिरण द्वारा ही हम तक पहुंचती है। ठीक है, इसमें मध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब क्या, जो इसमें आपके विकिरण है वाले, इसमें विकिरण क्या है, इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपका संवाहन वाला था उसमें हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ी, तो आपका माध्यम उसमें क्या हो रहा था, भगोना हो रहा था। ठीक, जिसमें मतलब आपको पानी को आप गर्म कर रहे थे। और इसी तरह जो आपका फर्स्ट वाला था उसमें भी आपका माध्यम क्या था, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे उसमें आपका माध्यम क्या था, ये वाला आपका जो चालन वाला है। ठीक है, इसमें आपका क्या, इसमें माध्यम की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो आपकी दोस्त प्रकाश की चाल है वो आपकी क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अंगीठी के सामने खड़े होने पर अंगीठी की जो की ऊष्मा विकिरण द्वारा ही हम तक पहुँचती है। दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही। आज जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो आपके बहुत अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम पर थर्मल इंजीनियरिंग में आने वाले हैं।
तो कमेंट करके दोस्त बताना ना भूलिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही आने जो वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। इसकी जो आपको PDF और नोट्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा।